हॉस्पिटल में जन्म नवजात शिशु उचित उपचार न होने पर गई जान, परिजनों ने किया हंगामा। जनपद आगरा थाना सदर क्षेत्र के राजपुर चुंगी लाइफ केयर हॉस्पिटल की है घटना, जहां 29 वर्षीय रिंकू राठौर निवासी पक्कीसराय ताजगंज ने पत्नी को शाम 4 बजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां रात्रि 9 बजे करीब शिशु को जन्म दिया था। कुछ समय पश्चात शिशु की हालत बिगड़ने पर नवजात शिशु को दिए जाने वाले उपचार के अभाव होने के कारण नवजात शिशु की जान चली गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा उचित कार्रवाई करने की बात कही। नवबारा समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान। क्या कुछ मामला है अभी, क्या कुछ जानकारी बच्ची के साथ, क्या घटना हुई? इस हॉस्पिटल में 4 बजे करीब लेके आए, यहाँ पर डिलीवरी के लिए एडमिट किया हुआ। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी हो गई, मगर आईसीयू वगैरह की जरूरत पड़ी थी, उसके लिए यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं थी। इस हॉस्पिटल का नाम है लाइफ केयर हॉस्पिटल, राजपुर चुंगी पर है, और इसके अंदर कोई नहीं है, ना लेडीज डॉक्टर थी, जेंट्स डॉक्टर था। जो डॉक्टर था वो फर्जी डॉक्टर था, जिसकी कोई डिग्री नहीं है, ना कोई डिप्लोमा है, कुछ नहीं है। अभी इसके मालिक का नाम भी नहीं पता चल रहा है, कौन मालिक है, क्या है, कोई आ नहीं रहा सामने। जो फिलहाल कोई नहीं आ रहा सामने। क्या कुछ आपको लग रहा है लापरवाही किन की सामने आ रही है? सारी लापरवाही इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों की है, जो अभी अवेलेबल नहीं है, सारे जा चुके हैं यहाँ से। क्या सर? मरीज को 4 बजे शाम को 4 बजे भर्ती किया था। तो जिन सुविधाओं के बारे में बोला गया था वो अवेलेबल हुई? कोई, जितना भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें बेड है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का नाम क्या है, कोई पता नहीं, सब फर्जी है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सब फर्जी है। अंदर सिर्फ 4-5 बेड पड़े हुए हैं, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। ओटी में जाके बुलाया, देखा तो मैं, जेंट्स आदमी काम कर रहा है आपका? नरेंद्र राठौर। क्या नरेंद्र राठौर जी, क्या कुछ मामला है? मैं, मेरे घर पर प्रेगनेंट थी भाभी जी है मेरी, तो उनको पेन हुआ, तो मैं यहाँ लेके आया, इनसे मैंने बात की, इनने मैंने कहा मैंने गायने डॉक्टर हैं कि सब सुविधा है मेरे यहाँ पे, आपको भर्ती होना पड़ेगा, आपको भर्ती होना पड़ेगा। फिर मैंने बोला इनसे कि डॉक्टर को, बच्चे का डॉक्टर है कि है, सब सुविधा है यहाँ पे, तो मैंने, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। इनने कुछ नहीं बताया मुझे, अंदर ले गए, पहले तो ड्रिप वगैरह चढ़ाते रहिए, फिर अंदर लेबर रूम में ले गए उसे, तो उनसे मैं बार बार पूछ रहा था, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं दूसरे हॉस्पिटल में। नहीं कुछ बताया कि डिलीवरी करते रहे, उसके बाद डिलीवरी भी हो गई है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया, उधर उधर भाग रहे हैं। डॉक्टर मौजूद नहीं थे? डॉक्टर मौजूद कोई नहीं था, डॉक्टर कोई नहीं बुलाया। मैंने बोला बच्चों का डॉक्टर है कि है, सब सुविधा है हमारे यहाँ, तो उसके बाद कोई नहीं बुलाया उनने। और उसके बाद मैं, आरोप है आपके, क्या कुछ आरोप है हॉस्पिटल में? लापरवाही रही है, लापरवाही रही है, कोई लाइसेंस, कोई लाइसेंस नहीं, ये बोर्ड लगा रखा है, इस पे आईसीयू, एनआईसीयू, सब सब चीज लिख रखी है, कुछ भी एनआईसीयू नहीं थी। बच्चे के साथ कोई घटना घटी है? घटना घटी है ना, हार्टबीट नहीं आई, तो एनआईसीयू की जरूरत थी, यहाँ नहीं थी बच्चा, मतलब और इनक्यूबेट करने की जरूरत नहीं थी। एनआईसीयू नहीं है, आईसीयू नहीं है, कुछ ही नहीं है, डॉक्टर भी नहीं थे गाड़ने को, सबसे पहले बता रखे थे मुझे। वेंटिलेटर पर रखते हैं, उसके लिए एनआईसीयू की सुविधा होती है। बच्चे के साथ कोई घटना घटी है? एनआईसीयू होना चाहिए, बच्चा एक्सपायर हो गया लापरवाही की वजह से, उसका कारण यह है कि एनआईसीयू की हॉस्पिटल में भाभी को लेकर के आया, और मैंने यहाँ पे पता कि मैंने आपके पास में डिलीवरी की सारी सुविधाएं हैं या नहीं है, तो यहाँ पे मुझे बोला गया कि हाँ सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने बोला कि एडमिट कर दीजिए, उसके बाद में ड्रिप वगैरह लगाते रहे, ड्रिप लगाई इन्होंने, सारी चीज़ें की, उस बीच में भागा दौड़ी काफ़ी हुई, तो हमें भी घबराहट हुई कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। तो यहाँ हमें पता चला कि एक तो स्टाफ ही नहीं है, मतलब स्टाफ था लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में फिर डिलीवरी ये लोग कर लेते हैं, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में हमें कोई जानकारी नहीं देते बच्चे की क्या तबीयत है, कैसी है, क्या नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि बच्चे सीरियस है, फिर उसके बाद में देखते हैं उसमें एक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसका कुछ एनआईसीयू करके नाम बताते हैं, इन्होंने अपने यहाँ मेंशन भी कर रखा है इनके यहाँ अवेलेबल है, आईसीयू भी मेंशन कर रखा है, लेकिन वो सारी सुविधाएं कोई भी इनके पास में अवेलेबल है ही नहीं, मशीनरी नहीं है। और उसके बाद में थोड़ा सा फिर हमने भी पता किया अभी क्या बच्चे की पोजिशन क्या करी, इन्होंने वो सुविधा ना होने की वजह से बच्चे को यहाँ से बच्चा हमारा रहा ही नहीं, फिर हम दूसरी जगह भी ले गए, बच्चे बचा नहीं हमारा, सिर्फ उस मशीनरी की वजह से। और पहले ये सारी चीजें कहते रहे कि नहीं सारी चीजें हैं, पहली बार तो डॉक्टर ही नहीं था यहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं था। फिर उसके साथ में क्या होता है, मैंने पता भी किया है डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर दरअसल है क्या, एक तो डॉक्टर के पास में डिग्री उपलब्ध नहीं है, नया डॉक्टर है बिल्कुल न्यू, और जिसके पास में ना ही कोई डिग्री है, ना ही कोई मशीनरी है इनके,
इनकी आप अंदर हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं, कोई भी मशीनरी नहीं बच्चे के रिगार्डिंग जो भी होनी चाहिए। लापरवाही पूरी पूरी लापरवाही आपके पूरी लापरवाही अस्पताल की, कोई आपके पास में सामान नहीं।